हरियाणा और जम्मू के विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या कांग्रेस ने जम्मू में नफरत को जन्म दिया? क्या गृह मंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे या उनके कई मंत्री आए थे और नफरत उन्होंने इसलिए कहा ताकि नफरत फैलाई जा सके? उन्होंने कहा कि हम कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही कांग्रेस करती है। कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? सारे हिंदुस्तान में एक सूरज चमकाना है, जिससे कि नफरतों का राज जो है खत्म हो और मोहब्बत का राज बढ़े। जम्मू में किसने नफरत पैदा की बताइए? क्या वो कांग्रेस ने की? वो तो होम मिनिस्टर भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए। अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बनाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ देंगे। परसों जो 5 MLA LG